हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पे गाइस। तो आज गाइस मैंने, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ जिसमें मैं अपने यूट्यूब वीडियो को कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो उस सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज मैं दो वीडियोज़ पर पहले बना चुकी हूँ कि हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड हाउ आई एडिट माई यूट्यूब वीडियोज़। तो गाइज इसका थर्ड पार्ट है कि हाउ आई मेक माई थंबनेल्स। तो गाइज जब भी हम थंबनेल बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम कैसे फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कैसा यूज़ करेंगे। तो गाइज इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक ऐप है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट 5 मिनट्स भी आपको नहीं लगेंगे उस पर अपना थंबनेल बनाने में। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी आप क्या क्या आपके ऑलरेडी आपके पास जो जो ऐप अवेलेबल है उन पर आप कैसे एडिट कर सकते हैं आपके थंबनेल को, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज। तो इस तरीके की वीडियो आपको पसंद है या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज गाइस इसे चेकआउट करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो गाइस जो ऐप के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ वो बोल रही थी, वो ऐप है कैनवा ऐप। तो गाइस वो इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यदि एंड्रॉइड यूजर्स हैं, आईफोन यूजर्स हैं, जो भी हैं आप उसे इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे ऑलरेडी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको जिस तरीके की वीडियो एडिट, जिस तरीके का थंबनेल आपको बनाना है उस तरीके का आप उसके थ्रू बना सकते हैं। तो आप तरीके का थंबनेल आप बनाना चाहते हैं उसके थ्रू बना सकते हैं। उस पर काफ़ी अच्छे फॉन्ट्स हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप देख लीजिए। तो गाइज मैंने अपने काफ़ी थंबनेल्स हैं वो इस ऐप के थ्रू भी बनाया है, क्योंकि जस्ट 5 मिनट्स लगती है आपको थंबनेल आपका रेडी हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल उसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू दिखा दूंगी कि मैंने अपना थंबनेल कैसे रेडी किया था। तो गाइज उसको आप देख लीजिए। तो गाइस हमने कैनवा ऐप को ओपन कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल ऐप है, इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू विद गूगल, फ्लिप, फेसबुक, जिससे भी लॉगिन करना चाहे कर सकते हैं। मैंने गूगल से लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का कुछ पेज खुलता है और ऊपर आप ट्राई में डाल दीजिए यूट्यूब थंबनेल, आपको जो भी सर्च करना हो। अभी हम यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे टैम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो मल्टीपल टैम्पलेट्स हैं यहाँ पर। आपको जिस तरीके का भी थंबनेल एडिट करना है आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे थंबनेल्स हैं तो मैंने भी ये चूज़ किया है। तो मैं इसमें मेरा अगली लोकेशन फ़ोटोशूट वाला थंबनेल मैंने इसमें बनाया था। कुछ नहीं है ना, फ़ोटोज़ हैं, आप क्लिप करके आपको जो भी फ़ोटोज़ आपकी ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो। सिंपली ये ऐड हो गई है, दूसरी फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो दूसरी फ़ोटो भी जस्ट सिंपल ऐड हो जाएगी। एल्बम पर क्लिक करके जो भी आपका गैलरी वगैरह है वहाँ पर से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरी फ़ोटो भी इसी तरीके से बस लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसमें काफ़ी स्टिकर्स वगैरह आपको काफ़ी चीज़ों के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, आपका थंबनेल बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। और बीच में जो टेक्स्ट है उसी में मैं जैसा वो है उसी में अगली लोकेशन सेट कर रही हूँ। ये थोड़ा बड़ा है इस वजह से मैं इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो छोटा कर दूंगी और नीचे फ़ोटोशूट लिख दूंगी, उसका भी मैं टेक्स्ट साइज़ थोड़ा छोटा करूंगी क्योंकि ये थोड़ा बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट साइज़ छोटा कर दीजिए या फिर उन्हें बड़ा कर दीजिए, उन्हें ऊपर नीचे आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, ऐसा वो फिक्स नहीं है। आप अपनी जो भी आपके अकॉर्डिंग है आप अपने उसको सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फॉन्ट्स, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी और आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पीछे जो आपको ये ग्रीन, आप यहाँ पर स्टार्स वगैरह कुछ भी आपको जो भी स्टिकर सर्च करना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने एक दिवाली ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने जैसे फायर क्रैकर्स वगैरह सर्च करके लगाए थे, इस तरीके से कर सकते हैं। और पीछे जो बैकग्राउंड में वहाँ पर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब जस्ट 5 मिनट्स में आपका ये थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कितनी मेहनत आपने इसमें की है। उसके अलावा मैं जो थंबनेल के लिए यूज़ करती हूँ गाइस वो है पिक्सआर्ट, इनशॉट। मैं इंस्टाग्राम स्टोरी भी अपने थंबनेल के लिए यूज़ करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू भी अपने थंबनेल्स एडिट करती हूँ। वो कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो क्या होता है कि कभी कभी मैं सारे ऐप को घूम के आ जाती हूँ लेकिन मुझे एक अच्छे फॉन्ट नहीं मिलते हैं जो सिंपल भी हों लेकिन अच्छे भी लगे और थोड़े पॉपअप भी हों। तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे काफ़ी अच्छे फॉन्ट्स हैं तो मैं उनके थ्रू अपने वीडियो को एडिट, मतलब थंबनेल को एडिट कर लेती हूँ। मैं
मोस्ट ऑफ जब कॉलाज बना रही होती है तो मैं पिक्सआर्ट यूज़ करती हूँ, पिक्सआर्ट से इजीली आप थंबनेल बना सकते हो। तो गाइस जो मैं अपनी लास्ट वीडियो मैंने भी डाली थी हिडन फेस पोजेस की, उसका थंबनेल मैंने कैसे बनाया था ये मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ जाइए और देखिए और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जाइए, तो गाइज मैं पिक्सआर्ट से एडिट करूँगी। उसमें मैं पिक्सआर्ट में सबसे पहले करूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एक फ़ोटो हो वो आगे पॉपअप करे, तो उसके लिए मैं कटआउट तैयार करूँगी। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा, थंबनेल्स में देखा होगा। तो ये मेरी एक फ़ोटो है, इसमें से मैं सिर्फ खुद को कट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक कटआउट का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें एक पर्सन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करते आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपकी पिक्चर कट हो जाएगी इस तरीके से। और कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तो आप ये इरेज और रिस्टोर की हेल्प से कर सकते हो। और देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा और आपका कटआउट जस्ट 2 मिनट्स में, मतलब जस्ट 1 मिनट में रेडी हो गया। तो हमारा कटआउट बन के रेडी हो गया है। तो गाइज आपने देखा होगा उसमें मैंने 2 किए थे, फेस हिडन पोजेस और हॉल। तो मैं दोनों का एक एक सेक्शन का कोलाज बना रही हूँ, मैं पिक्सआर्ट की हेल्प से बना रही हूँ। आप किसी भी ऐप की हेल्प से बना सकते हो। तो मैंने 16:9 में सेट कर लिया है कोलाज को, और जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा बना लीजिए। तो मैंने इस तरीके से बना लिया, मैंने दोनों का बना लिया है, एक हॉल साइड का बना लिया है, एक पोजेस का बना लिया है। तो इस तरीके से दोनों को सेम सिचुएशन सेम ही तरीके से बनाया है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। तो अब मैं क्लिक करूँगी फ्री स्टाइल पे और इसको भी 16:9 की साइज में कर दूँगी, क्योंकि हमारा जो थंबनेल होता है वो 16:9 की साइज में होता है। तो हमारा थंबनेल हमने 16:9 की साइज में कर दिया है और मैं थोड़ा सा इनको एडजस्ट करूँगी जैसे वो कटआउट भी आ जाए और टेक्स्ट भी मुझे जो लिखना है वो भी मैं लिख दूँ। तो मैं दोनों की कैपेसिटी को थोड़ा डिक्रीज़ करूँगी जिससे थोड़ा सा ब्लरी लगे। और ये कटआउट हमने रख दिया ऐड फोटो पे क्लिक करके, और इसे जितना आपको बड़ा छोटा कहाँ रखना है आप उस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें बैकग्राउंड के लिए इमेजेस पे क्लिक करके बैकग्राउंड लगाया है और इसे थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। टेक्स्ट पे जाके हमें जो लिखना है मैंने वो लिख दिया है, सरोजनी नगर हॉल। इसमें आपको फॉन्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन कलर चेंजेस के ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फॉन्ट मुझे थोड़ा बोल्ड फॉन्ट चाहिए था, इस तरीके से मैंने वो ले लिया है और कलर एडजस्ट कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सेम ही तरीके से लिखी है, सरोजनी नगर हॉल भी और फेस हिडन पोजेस दोनों एक एक साइड लिख दिए हैं। बहुत ही सिंपल वे है, लेकिन आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको क्या बनाना है, कैसा बनाना है। तो ये मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तो मैंने ये उस तरीके से बनाया है और ये बहुत ही पर्सनली मेरा फेवरेट थंबनेल है। अब मैं थोड़ा मेरे कटआउट को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो ऐसे ब्रशेस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप जो भी कलर लेना चाहते हो वो कलर लेके उसका साइज बढ़ा के इस तरीके से आप अपने आपको हाईलाइट कर दो और आपका ये थंबनेल रेडी हो गया है। तो आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। गाइज यही था हमारा आज का वीडियो, आपको को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आप यदि जानना चाहते हैं मैंने अपने इंट्रो वगैरह कैसे बनाया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।